गीता गोपीनाथ ने कहा, लॉकडाउन से इकोनॉमी हुई तबाह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बुधवार को भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% की तेजी से गिरावट का अनुमान लगाया है और इसका कारण कोरोना वायरस महामारी को बताया गया है। वहीं टीवी टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल से खास बातचीत में भारतीय मूल की IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 4.5% गिरावट रहने का अनुमान है। हालांकि उन्होंने साल 2021 में अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई है, इसमें विकास दर के 6% रहने का अनुमान है। गीता गोपीनाथ ने बताया कि भारत को जल्द रिकवरी के लिए डिमांड बढ़ाना होगा। इसके लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एक जरिया है, क्योंकि भारत में लॉकडाउन से एक बड़ा तबका प्रभावित हुआ है, इसलिए डिमांड बढ़ाने पर सरकार का फोकस होना चाहिए। उनके अनुसार दुनिया के कई देशों में यह तरीका अपनाया गया है, जो कि सही है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने तक भारत के लिए शांति जरूरी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच USISPF के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश अघी ने कहा कि चीन ने कभी भी भारत को समान भागीदार नहीं माना है, वो कभी भी भारत के साथ समान व्यवहार नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन से आने वाले मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी वस्तुओं का चीन से आयात रोकने का ये सही समय नहीं था, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। डॉक्टर अघी ने कहा कि भारत को तब तक शांति बनाए रखने की जरूरत है जब तक वह विनिर्माण हब नहीं बन जाता, और भारत को अपना आर्थिक एजेंडा ठीक करने के लिए 20 साल का समय चाहिए। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के साथ ही रक्षा क्षेत्र में अधिक खर्च करने की जरूरत है। डॉक्टर अघी ने कहा कि चीन आर्थिक और सैन्य रूप से शक्तिशाली है, वहीं चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए जगह जगह भारत में विरोध प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को अपनी भावनाओं से बाहर निकलना होगा। भारत चीन के बीच तनाव से कच्चे माल की आपूर्ति अटकी, आयात पर कस्टम क्लियरेंस में लग रहा है जरूरत से अधिक समय। भारत और चीन के रिश्तों के बीच आए उबाल के बाद इन दोनों देशों के बीच अब अघोषित व्यापार युद्ध भी शुरू हो गया है। इसके तहत बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर आयातित माल को कस्टम क्लियरेंस में ज्यादा वक्त लग रहा है, जिसका असर उत्तराखंड के उद्योग जगत पर भी हो रहा है। फिलहाल उत्पादन और कीमत पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड में स्थित फार्मा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उद्योग कच्चे माल और स्पेयर पार्ट्स के लिए चीन पर निर्भर रहता है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का कहना है कि कस्टम से आयातित माल को सहज क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है, जबकि वो इसका पूरा भुगतान कर चुके हैं। इस तरह एक तरफ पूंजी बेवजह डंप हो रही है, वहीं उन्हें मजबूरी में घरेलू बाजार से वही माल महंगी दरों पर खरीदना पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, अगर देश की तरक्की के लिए कहीं से आयात होता है तो कुछ भी गलत नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर देश की तरक्की के लिए किसी भी देश से आयात होता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देश में चीन से होने वाले आयात पर अंकुश लगाने की बढ़ती मांग के बीच वित्त मंत्री का ये बयान काफी मायने रखता है। गौरतलब है कि भारत चीन नियंत्रण रेखा पर हाल ही में हुई हिंसक झड़प के बाद से देश में चीन विरोधी राष्ट्रवाद चरम पर है। कई संगठनों ने चीनी माल के बहिष्कार की अपील की है। वहीं भारत चीन के बीच व्यापार में पलड़ा चीन के पक्ष में झुका हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आश्चर्य तो तब होता है कि जब भगवान गणेश की मूर्ति भी चीन से मंगाई जाती है, क्या मिट्टी की मूर्ति भी चीन से मंगवाना जरूरी है? निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु में वर्चुअल रैली के दौरान BJP कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। नई टैक्स व्यवस्था के नियमों में बड़ा बदलाव, यात्रा भत्ते पर कर सकते हैं आयकर छूट का दावा। सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को नियोक्ताओं से प्राप्त यात्रा भत्ते पर आयकर से छूट का दावा करने की सुविधा दे दी है। CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके लिए आयकर नियमों में बदलाव किया है। इन चुनिंदा मामलों में यात्रा या स्थानांतरण के मामले में आने जाने के खर्च के लिए दिया गया भत्ता, यात्रा की अवधि के दौरान दिया गया कोई अन्य भत्ता, सामान्य कार्यस्थल से अनुपस्थिति की स्थिति में एक कर्मचारी को दैनिक खर्च पूरा करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता आदि शामिल है। इसके अलावा यदि नियोक्ता निःशुल्क आने जाने की सुविधा प्रदान नहीं कर सकते हैं
तो रोजाना काम पर आने जाने के खर्च के लिए दिए जाने वाले भत्ते पर भी आयकर से छूट का दावा किया जा सकता है। सीबीडीटी ने ये भी स्पष्ट किया कि अनुलाभ के मूल्य का निर्धारण करते समय नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वाउचर के माध्यम से मुफ्त भोजन और गैर मादक पेय के संबंध में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा मूक, बधिर, नेत्रहीन और हड्डियों से दिव्यांग कर्मचारी 3200 रुपए प्रति माह के परिवहन भत्ते में छूट का दावा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।